नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला, डिकोड द कोर्स। भारत में भारी बारिश, बाढ़, बादल फटने की अलग अलग घटनाओं और लैंडस्लाइड में लोगों की जानें जा रही हैं। संपत्ति का भारी नुकसान हो रहा है, पशु मवेशियों की मौतें हो रही हैं। कुदरत के कहर के सामने राज्य सरकारें लाचार दिख रही हैं। वहीं इस मसले पर राजनीति भी खूब हो रही है। दिल्ली में आप सरकार का आरोप है कि जानबूझकर हरियाणा में बीजेपी की सरकार हथनीकुंड बैराज से यमुना में पानी छोड़ रही है, जिसने दिल्ली में तबाही मचाई है। चलिए करते हैं भारत में बारिश के कहर की स्थिति को डिकोड और ये टटोलने की कोशिश करते हैं कि सरकारें कसूरवार हैं या फिर कुदरत। सबसे पहले दर्शकों को राजधानी दिल्ली और आसपास के सटे इलाकों का हाल बताते हैं। दिल्ली एनसीआर में बुधवार सुबह से जमकर बारिश हुई। राजधानी दिल्ली में मंडी हाउस से लेकर रिंग रोड तक और नोएडा के कई इलाकों में बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया। यमुना और हिंडन नदी में आई बाढ़ से नोएडा और गाजियाबाद के भी कुछ इलाकों में पानी घुस आया। बुधवार की बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिससे कि कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा गया। एहतियातन नोएडा और गाजियाबाद में निचले इलाकों को खाली कराया गया, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। एहतियाती रूप से कई इलाकों की बिजली भी काट दी गई। नोएडा के चोटपुर, छिजारसी और बहलोलपुर समेत अन्य गांवों की कच्ची कॉलोनियों में पानी घुस गया, तो ग्रेटर नोएडा के 10 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। गाजियाबाद दिल्ली हाईवे पर 2-2 फीट तक पानी भर गया। नोएडा और गाजियाबाद में 12वीं तक के स्कूलों को प्रशासन को बंद करना पड़ा बाढ़ के हालात के मद्देनजर। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने प्रदेश के 21 जिलों में बुधवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। दर्शकों को अगर हिमाचल प्रदेश की स्थिति बताए तो यहां पर आसमान से बरस रही आफत कम नहीं हो रही है। प्रदेश के ठियोग, रोहडू, रामपुर सब डिवीजन में स्कूलों की छुट्टियां 28 जुलाई तक बढ़ा दी गई हैं। कई जगह मौसम विभाग का अलर्ट देखते हुए तो कुछ जगह एसडीएम ने सड़कें बहाल ना हो पाने की वजह से ये फैसला किया है। इन आदेशों के तहत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे के दौरान कुल्लू जिले की गडसा घाटी में बादल फटने की घटना हुई और इससे खूब तबाही हुई। यहां 5 मकान बादल फटने के बाद नाले के तेज बहाव में बह गए। 15 से ज्यादा घरों को क्षति पहुंची। 3 पुल और संपर्क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हिमाचल प्रदेश में अब तक भारी बरसात से जान माल दोनों का रिकॉर्ड स्तर पर नुकसान हुआ है। 24 जून से अब तक फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड्स की अलग अलग घटनाओं में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 42 लोगों की मौत तो 7 से 11 जुलाई के बीच ही भारी बारिश की वजह से हो गई थी। कुल्लू मंडी जिले में सबसे ज्यादा तबाही मची है। प्रदेश में 5350 करोड़ रुपए की निजी सरकारी संपत्ति बारिश की भेंट चढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि पूरे नुकसान का आकलन ये कहता है कि नुकसान जो आर्थिक हुआ है वो 8000 करोड़ से ज्यादा का है। हिमाचल प्रदेश में 669 घर पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। 5491 घरों को आंशिक क्षति पहुंची है। 236 दुकानें, 1668 गौशालाएं, 101 लेबर शेड, पुल ध्वस्त हो चुके हैं। भारी बरसात के चलते इस आपदा की वजह से 566 सड़कें 15 दिन से बंद पड़ी हैं। इससे हिमाचल प्रदेश में आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है। चिंता की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में आगे भी मौसम साफ रहने की संभावना नहीं है। बार बार हो रही बारिश सड़कों की बहाली के काम में बाधाएं उत्पन्न कर रही है। दर्शकों को अगर राजस्थान की स्थिति बताएं तो यहां पर भी असामान्य बारिश हुई। राजस्थान के उदयपुर में मोरवानिया में 2 युवक ब्रिज पर भारी पानी के बीच फंस गए। वो मोटरसाइकिल की मदद से ब्रिज पार करने की कोशिश कर रहे थे, बाद में क्रेन की मदद से बचाया गया। अब दर्शकों के सामने हम उत्तर भारत से हटकर दक्षिण भारत में भारी बारिश और बाढ़ की क्या तबाही है इसकी स्थिति रखना चाहते हैं। तो दर्शकों को दिखाते हैं कि दक्षिणी राज्यों खासकर के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भारी बारिश के चलते फ्लैश फ्लड जैसे हालात पैदा हो गए। मंगलवार शाम को तेलंगाना के महबूब नगर में 2 टीनेजर लड़कियां नहर में बह गई। खतरनाक हालात के चलते इन राज्यों में बुधवार और गुरुवार के लिए खतरे वाले इलाकों के सभी स्कूल और कॉलेज में छुट्टी करनी पड़ी है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा समेत 22 से ज्यादा भारत के राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड की 600 किलोमीटर लंबी ऑल वेदर रोड के 250 किलोमीटर हिस्से पर भूस्खलन से यातायात बाधित है, जबकि बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में रोजाना
10 से 15 हजार की बजाय 1,000 श्रद्धालु ही पहुंच पा रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी स्थिति है भारत में बारिश और बाढ़ की तबाही की। उत्तर भारत का हिस्सा हो या फिर दक्षिण भारत का, हर जगह पर भारी बारिश की त्रासदी है, बाढ़ की त्रासदी है, लैंडस्लाइड की त्रासदी है, संपत्ति का भारी नुकसान हो रहा है, पशु मवेशी बह जा रहे हैं और इंसानी जानों का भी काफी नुकसान हो चुका है। इसी के साथ डिकोड द कोर्स का सफर करते हैं यहीं पर समाप्त। फीडबैक की आपसे उम्मीद है तो info@justbroadcasting.com पर मेल करना ना भूलें और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके ईमेल्स का इंतजार रहता है। अपना ख्याल रखिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। धन्यवाद।